नमो भगवती वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति कोइंका अपनी इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी की महिमा। वर्ष 2020 में देव उठनी एकादशी की डेट और समय तथा देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थनी एकादशी, श्री हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस तथा भीष्म पंचम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, इसीलिए विश्राम करने के लिए श्री हरि क्षीर सागर में जाकर गहरी निद्रा में चले गए और चार मास के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन वह अपनी निद्रा से जागे। इसी कारण इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चार मास का वह समय चातुर्मास कहलाता है। भगवान श्री हरि के शयन काल के इस चातुर्मास में विवाह, ग्रह प्रवेश तथा अन्य शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, परंतु श्री हरि के निद्रा से जागने के पश्चात अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी प्रति वर्ष दीपावली के 11 दिनों के पश्चात आती है। इसी दिन से श्री हरि शयन काल को पूर्ण करते हैं और पुनः पृथ्वी की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। श्री हरि के उठने के दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्मय के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस परम पुण्य एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मरने के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भक्त लोग श्रद्धा के साथ जो कुछ भी तप, जप, स्नान दान, होम इत्यादि करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का जो महत्व है, वही महत्व धरती पर तुलसी माता का है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह विधि विधान से संपन्न करवाया जाता है। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह के समय स्त्रियां गीत और भजन गाती है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती, वे जीवन में एक बार तुलसी माता का विवाह करके कन्या दान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब देवता अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो वह पहली प्रार्थना तुलसी माता की ही स्वीकार करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में यदि तुलसी का पौधा दान दिया जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तुलसी है विष्णु प्रिया। इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित आवाहन कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान को तिलक लगाए, श्री फल अर्थात नारियल अर्पित करें, नए वस्त्र, पीले फूल तथा पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए तथा व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य फल को प्राप्त करता है। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ष 2020 में देव उठनी एकादशी की तिथि और समय। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 25 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का मुहूर्त इस प्रकार से है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 25 नवंबर 2:42 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर 2020 वीरवार को 5:10 पर। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को श्री हरि की पूजा कर इस व्रत कथा को सुनना चाहिए। यह व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, कहीं एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था।
उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और संपन्न थी। उस राज्य में सभी लोग एकादशी का उपवास करते थे। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी लोग फलाहार ही लेते थे। प्रजा से लेकर नगर के नौकर चाकरों और यहाँ तक कि पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति ने उस राजा के पास आकर कहा, हे राजन, आप कृपा कर मुझे अपने पास नौकरी दे दे। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें नौकरी अवश्य दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, एकादशी के दिन तुम्हें यहाँ अन्न नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है राजन, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ ही समय के पश्चात एकादशी का पावन दिन आया। जब उस व्यक्ति को फलाहार दिया गया तो वह राजा के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो ऐसे भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा अन्न दें। यह सुनकर राजा ने उसकी शर्त याद दिलाई, परंतु फिर भी वह व्यक्ति अन्न त्यागने को तैयार नहीं हुआ। तब दयावश राजा ने उस व्यक्ति को थोड़ा आटा और थोड़ी चावल दिए। तब वह व्यक्ति नदी के पास जा पहुंचा और स्नान इत्यादि कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक बुलाने पर पीतांबर पहने चतुर्भुज भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के पश्चात फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, इस बार आप मुझे थोड़ा अन्न ज्यादा दें, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और मैं तो तब भूखा ही रह जाता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, अरे भाई, यह कैसे संभव है, भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं, मैं तो सदा ही एकादशी का उपवास करता हूँ, परंतु भगवान तो मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आप मेरे साथ नदी पर चलकर देख सकते हैं। अब तो वह व्यक्ति नदी के पास जाकर भगवान का आह्वान करने लगा। राजा उस समय वही पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति संध्या तक भगवान को बुलाता रहा, परंतु भगवान वहां नहीं आए। तब अंत में उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और इतना कहकर प्राण त्यागने के उद्देश्य से वह नदी की तरफ बढ़ने लगा, परंतु उसी समय श्री हरि उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान उसे अपने साथ दिव्य विमान में बिठाकर अपने पवित्र धाम को ले गए। यह सब देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस व्रत उपवास से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो केवल सच्चे प्रेम के ही भूखे हैं। इसी कारण व्रत के साथ साथ मन को शुद्ध करना भी अति आवश्यक है। अब तो वह राजा भी शुद्ध मन से ईश्वर की पूजा करने लगा और अंत समय में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में इस कथा का यही सार है कि ईश्वर व्रत उपवास इत्यादि के भूखे नहीं है। ईश्वर भूखे हैं तो केवल आपकी भावनाओं की, आपके सच्चे प्रेम के। बोलो जय श्री हरि, जय श्री नारायण। इसी के साथ मैं ज्योति गोयनका आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जय माता दी। थैंक यू सो मच।